यूपीएससी ए आप लोगों को पता है कि 7 अप्रैल को डेट है, तो उसमें आपको क्या, बहुत सारे लोगों के माइंड में क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है, क्या नया डेट आ सकता है, और आपका होगा भी तो आपको सिलेबस कहाँ से कंप्लीट हो गया, तो क्वेश्चन कहाँ से करना चाहिए 10 दिन में, ऐसा कि फाड़ दो क्वेश्चन वही आएगा, तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्जाम में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीपीएससी ए के बारे में। यूपीपीएससी ए की बात किया जाए, पता है कि एग्जाम 17 अप्रैल को डेट है, ठीक है। तो अब आपके माइंड में चल रहा है कि यार रिवीजन तो कर लिया यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गए, बट ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो लगता है। देखिए बात किया जाए आपको, अब क्वेश्चन कहाँ से करना है, क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन आपको ESC के जो इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन है 10 साल के पास्ट के, उसको कर लेना है, अच्छे से करना है, कुछ क्वेश्चन को याद भी कर लेना है जो वैल्यू फैक्ट वैल्यू पूछा जाता है हर सब्जेक्ट का, जैसे स्ट्रक्चर के क्वेश्चन हो गए, आपके BMC के क्वेश्चन हो गए, आपके RCC के क्वेश्चन हो गए, सॉइल के हो गए, जिस ब्रांच से बिलोंग करते हो, तो इसको आपको रटना है। जो चीज़ भूल रहे हो, नई चीज़ें जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो ESC में बार बार रिपीट हो रहा है, वो आपके क्या कहते हैं UPSC ए में क्वेश्चन रिपीट, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको लगा लेना है 2013 और 20 वाले क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक चीज़ और आपको ये भी करना है, जैसे राजस्थान ए का क्वेश्चन हुआ, MPPSC ए का क्वेश्चन हो गया, और BPSC ए का क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन भी आपको आपको मिल जाएगा कहीं से, इसको भी कर लोगे तो बेटर ऑप्शन है। उसके लिए आपको ये करना, गेट के क्वेश्चन नहीं करने की नीड है, गेट का क्वेश्चन मत करो। हाँ SSC JEE का कर पाते हो तो उसके भी कुछ क्वेश्चन 2-3 सालों का उठा के कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा आपके ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि सेम टू सेम डिक्टो मिल जाएंगे, और ये फैक्ट बात है, कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिलते ही मिलते हैं ए के पेपर में, तो ये करना ही करना पड़ेगा आप लोगों को, तभी आपका सिलेक्शन पक्का हो। जो अनअकैडमी पे आप जाके टेस्ट सीरीज फ्री में दे सकते हो, चाहे प्लस कोर्सेज हो या फ्री प्लस पे आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हो, तो SSC MTS का फुल टेस्ट सीरीज 4 टेस्ट होगा एवरी सैटरडे 7 PM। उसके बाद प्लस में SSC CGL फुल टेस्ट सीरीज आपका 4 टेस्ट एवरी फ्राइडे 7 PM। प्लस पे जाओगे यूपी राजस्व लेखपाल का 3 टेस्ट है 7, 14 और 21 मार्च को 7 PM पे, तो देख सकते हो। बाकी आपके फ्री ये सारे टेस्ट सीरीज आप देख सकते हो, 4-4 टेस्ट सीरीज है एवरी आपके मिल जाएंगे, एवरी मंडे ट्यूसडे में मिल जाएंगे। जैसे आप रीजनिंग का टेस्ट देना चाहते हो, एवरी फ्राइडे को 4 PM में मिल जाएगा 4 टेस्ट। उसके बाद करंट अफेयर का देखते हो, भाई प्रशांत धवन सर 4 टेस्ट एवरी सैटरडे 4 PM। तो ये फ्री है, आपको इंग्लिश का टेस्ट देने का मन है तो इंग्लिश का दे सकते हो, रीजनिंग का टेस्ट देना चाहते हो तो आप देख सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और आप जाके टेस्ट सीरीज दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे वहाँ से आप जाके। और कोर्स नया बाई करना चाहते हो तो मेरा कोड DKumar10 यूज करिए, वहाँ से कोर्स बाई कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट सीरीज जिस कोचिंग का दे रहे हो, टेस्ट सीरीज पे उसके जो भी टेस्ट दिए उसको रिवीजन करना है। बाकी आप टेस्ट सीरीज कुछ और दे सकते हो, देने के लिए अभी तो टाइम है 10-15 दिन, तो उसका टेस्ट सीरीज दे के रिवीजन बार बार कर सकते हो, और ये टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। और इससे हिंदी भी पढ़ सकते हो, हिंदी के क्वेश्चन करिए या कुछ कुछ रिवीजन कर सकते हैं हिंदी के लिए, पढ़ने के लिए आप लूसेंट हिंदी लूसेंट उठाइए। और उसके आता है मोटिव, क्या एग्जाम पोस्टपोन होगा या डेट चेंज होगा, जी नहीं ऐसा इम्पॉसिबल है होना, बिकॉज अब हर एग्ज़ाम अपने ऑन टाइम हो रहा है, कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं, क्योंकि सारे टीम कोविड का सिचुएशन था तो होता था, बट अभी करेंटली कोई भी दिक्कत नहीं है, आपके एग्ज़ाम ऑन टाइम होने वाले हैं, ठीक है। और अपना फोकस करिए एग्ज़ाम पे, कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा सारा।